हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएन ओ का, यानी कि चैप्टर 19 पढ़ेंगे, वर्क ऑफ द यूएन। तो पहले हम लोग समझेंगे कि यूएन क्या है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यूनाइटेड नेशन यह विश्व का एक राष्ट्रीय विश्व का एक सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका हेड क्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके मुख्य 6 ऑर्गन्स हैं। तो आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका ऑर्गन्स कौन सा ऑर्गन्स क्या करता है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, रोल ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ द यूएन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, द यूएन इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टेज इन वेरियस फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। द यूएन हैज़ द फॉलोइंग 6 ऑर्गन्स। यूएन एक बहुत बड़ी संस्था है जो वैज्ञानिक ढंग से हर फील्ड में कार्य करता है, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में यह कार्य करता है। यूएन का मुख्य ऑर्गन्स सबसे पहले जनरल असेंबली, सेकेंड नंबर में सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड नंबर में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 ट्रस्टशिप काउंसिल, 5 नंबर हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड लास्ट सेक्रेटेरिएट। तो रोल ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, जनरल असेंबली। इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द यूएन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज सिट एंड डिस्कस मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यह यूएनओ का मेन बॉडी होता है, जहाँ पे इसके सभी मेंबर कंट्री बैठते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे चर्चा करते हैं। इट इज़ लाइक द पार्लियामेंट ऑफ द यूएन, यह यूएन का पार्लियामेंट जैसा है। द जनरल असेंबली हैज़ द पावर ऑफ एडमिट न्यू मेंबर ऑफ द टू द यूएन। जनरल असेंबली का पावर यह होता है कि वो यूएन का नया मेंबर भी बना सकता है। ऑल द मेंबर नेशन हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड द राइट टू वोट। जितने भी इस नेशन का मेंबर होते हैं, सबको समान अधिकार होता है वोट देने का। सभी मेंबर को समान अधिकार होता है। जब द फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल असेंबली वाज हेल्ड ऑन 10th जनवरी 1946, 10 जनवरी 1946 को जनरल असेंबली की पहली बैठक की गई। द असेंबली मीट्स वंस अ ईयर एंड द सेशंस रन फ्रॉम मिड सेप्टेम्बर टू मिड दिसंबर। इस असेंबली की मीटिंग एक साल में सेप्टेम्बर के बीच से लेकर के दिसंबर तक होता है। If there is an emergency, a special meeting can also be called. यदि ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी में स्पेशल मीटिंग भी बुलाया जा सकता है।
द जनरल असेंबली डिसीजन आर टेकन बाई कास्टिंग वोट्स ईच मेंबर कंट्री वेदर बिग और स्मॉल हैज़ ओनली वन वोट। चाहे वो बड़ा देश हो या छोटा देश हो, सबको सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार है। हैज़ ओनली द जनरल असेंबली एलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट एवरी ईयर। जनरल असेंबली प्रत्येक साल अपना एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। द जनरल असेंबली हैज़ द राइट टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन टू ऑन एनी इशू कवर्ड इन द यूएन चार्टर। इट इलेक्ट द मेंबर ऑफ द अदर यूएन बॉडीज। द जनरल असेंबली मेक द बजट ऑफ द यूएन, रिव्यू रिपोर्ट्स ऑफ द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन एंड अपॉइंट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इट ऑल्सो डिस्कस इशू अफेक्टिंग वर्ल्ड पीस। इसके अलावे अगर विश्व में कहीं भी अशांति हो रही है तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए वो मीटिंग बुला सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इट हैज़ 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर्स बाय द जनरल असेंबली फ्रॉम एमोंग इट्स मेंबर। जो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पे जनरल असेंबली के द्वारा और उसके मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द परमानेंट मेंबर आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना। इसके परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें अमेरिका है, रशिया है और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना। द 5 परमानेंट मेंबर हैव द वोट पावर, वेटो पावर। ये 5 जो परमानेंट मेंबर है इसको वेटो पावर का अधिकार है। द सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1946। सिक्योरिटी काउंसिल का पहली मीटिंग हुई थी 1946 में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड द सिक्योरिटी काउंसिल ट्राइज टू रिजर्व इट एंड वेन एवर नीडेड इट सेंड इट्स पीस कीपिंग फोर्स टू रिस्टोर पीस। यदि कहीं भी विश्व में अशांति हो रही है तो शांति स्थापित करने के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल फोर्स को वहाँ स्थापित कर सकती है। मतलब विश्व के किसी भी भागों में अगर अशांति हो रही है तो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा फोर्स भेजे जा सकते हैं ताकि वहाँ पे शांति स्थापित हो। थर्ड क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इकोसोक, ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देयर आर 54 मेंबर्स कंट्रीज इन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके 54 मेंबर देश होते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द UN। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल स्टडीज एंड रिकमेंड्स एक्शन ऑन इशू सच एज ह्यूमन राइट, इक्वलिटी ऑफ वुमेन, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। ये क्या करता है कि ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकार
और औरतों के समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करता है। इट इज़ इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ 3 ईयर्स टर्म। ये प्रत्येक 3 साल के लिए चुने जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। इट फंक्शंस थ्रू वेरियस कमिटीज एंड कमीशन। नेक्स्ट, ट्रस्टशिप काउंसिल। द ट्रस्टशिप काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। ये काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल है, 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज क्रिएटेड टू लुक आफ्टर द ट्रांजिशन ऑफ कॉलोनीज इनटू इंडिपेंडेंट कंट्रीज। एट दैट टाइम देयर वेयर 11 सच कंट्रीज एरियाज दैट हैव नाउ बिकम इंडिपेंडेंट। दिस ऑर्गन सस्पेंडेड इट वर्क ऑन 1 November 1994 आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, शॉर्ट फॉर्म ICJ, ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को विश्व का कोर्ट भी कहा जाता है। इट इज़ द लीगल कोर्ट ऑफ द UN। द हेड क्वार्टर ऑफ ICJ इज एट द हेग, नीदरलैंड। ICJ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन June 1945 एंड स्टार्टेड वर्किंग बाई April 1946। इट हैज 15 जज विच आर इलेक्टेड बाई द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर। इसके 15 जज होते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं, और इसकी स्थापना June 1945 में की गई, और ये अपना काम स्टार्ट 1946 से स्टार्ट किया। दिस कोर्ट हियर्स डिस्प्यूट एमोंग द मेंबर ऑफ द UN। द ICJ एडवाइस मेंबर कंट्रीज ऑन मैटर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। द सेक्रेटेरिएट, इट इज एक्सक्यूटिव ब्रांच ऑफ द UN विच लुक आफ्टर इट्स डे टू डे ऑपरेशन। यह UN का कार्यपालिका होता है जो दिन प्रतिदिन अपना काम करते रहता है। द सेक्रेटेरिएट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। इसकी स्थापना 1945 में की गई। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट। ही एक्ट एज द UN स्पोक पर्सन। ही इज नॉमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इसका भी स्थापना सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। अब यहाँ पे आप लोग बॉक्स में देखिए कि जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सेक्रेटेरिएट कौन कौन, हर 5 साल पे इलेक्ट होते हैं, और उनका नाम देख लीजिएगा। फर्स्ट में है ट्राइगेफ लाई, नॉर्वे के हैं, 1946 टू 1952 तक। इसी प्रकार 9 है। द सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ मेजर रोल इन प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एजेंडा ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द UN। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर लीगली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, मेंबरशिप ऑर्गन्स एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्स एंड आर लाइक
linked with the UN through negotiated agreement. The UN has set up various agencies to promote its work, such as, मतलब UN के द्वारा बहुत सारे एजेंसी भी है जो UN का वर्क ठीक से हो सके, जैसे हो गया, पहला हो गया यूनिसेफ। यूनिसेफ को क्या कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। इट हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन। फिर नेक्स्ट हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO बोलते हैं। द WHO वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। इट हेडक्वार्टर इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना 1948 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इट वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल एंड फाइंड वेज टू कम्बैट दिस डिजीज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू द कंट्रीज इन नीड एंड प्रोमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में FAO बोलते हैं। इट हेडक्वार्टर इज इन रोम इटली। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन इरेडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। इट्स मेन एम इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर। द मोटो ऑफ FAO इज लेट देयर इज देयर बी ब्रेड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इट हेल्प नेशंस इज इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ द पीपुल। इट ट्राइज टू शॉर्ट आउट प्रॉब्लम एमोंग द गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ऑफ ए नेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UNESCO। द UNESCO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1946। इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस में है। इट एम इज टू हेल्प पीपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिजर्विंग ओल्ड मोन्यूमेंट्स आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर। इट इनकरेज नेशंस टू वर्क टूगेदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। द जनरल असेंबली हैज नो पावर टू एडमिट न्यू मेंबर टू द UN। यस या नो में दिया है तो इसका आंसर नो। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 10 परमानेंट मेंबर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसका परमानेंट 5 मेंबर होता है। देयर आर 74 मेंबर कंट्रीज इन द ECOSOC, ये भी रॉन्ग है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1947, ये भी नो। एंड द हेड क्वार्टर ऑफ द WHO इज इन जेनेवा, ये राइट, यस। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज देखेंगे। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टू टिक द करेक्ट ऑप्शन देयर आर, ऑप्शन दिया हुआ है 4, 6, 8 मेजर बॉडीज ऑफ द UNO, राइट आंसर 6। नंबर 2, द बॉडी दैट हैज़ द पावर टू एडमिट न्यू मेंबर इन द UN इज, राइट आंसर जनरल असेंबली। 3rd नंबर, द फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, राइट आंसर सी, 10 January 1946। नंबर 4, देयर आर ब्लैंक्स परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UN, राइट आंसर 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इंटरनेशनल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय,
सॉल्व्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आंसर हो जाएगा. सेकेंड, द सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन, यहाँ भरेंगे 1946. थर्ड नंबर में द ब्लैंक्स लुक्ड आफ्टर द ट्रांजिशन ऑफ कॉलोनीज इनटू इंडिपेंडेंस कंट्रीज. नंबर फोर, द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट, इसमें सेक्रेटरी जनरल. इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हुआ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.